क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं? जैसे आप गूगल पे क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे सर्च हिस्ट्री हो जाती है। अगर आपने सर्च किया, अगर आपका मोबाइल कोई ले लिया तो वहाँ पे वो देख सकता है कि आपने दिन भर में क्या क्या सर्च किया, क्या नहीं सर्च किया, कौन सी वेबसाइट आपने ओपन की है। तो उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो आज जानेंगे दोस्तों कैसे डिलीट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दोस्तों बता दें, ये आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल राजेश दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राजेश कुमार मौर्य, और दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और हाँ दोस्तों, ये आपका अपना YouTube चैनल है टेक्निकल राजेश, को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप क्रोम ब्राउजर जहाँ पे सर्च करते हैं उस क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे ये क्रोम ब्राउजर हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कहीं पर भी हो, कोई भी वेबसाइट आपको खुली हो, वो मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री आपके में थ्री डॉट होगा या कुछ इस प्रकार का एरो का निशान बना होगा। जैसे आप एरो के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हिस्ट्री का। जैसे आप हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा सिंपल से। अब यहाँ पे बेसिक में देख सकते हैं, बेसिक में ब्राउजिंग हिस्ट्री टिक है, कुकिंग एंड साइड डाटा ये भी टिक रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज एंड फाइल, इसको भी टिक करके रखना है। उसके बाद एडवांस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्राउजिंग हिस्ट्री इस पर भी टिक कर लेना है, कुकिंग एंड साइड डाटा इस पर भी टिक कर लेना है, इमेज एंड फाइल इस पर भी टिक कर लेना है। सेव पासवर्ड, सेव पासवर्ड पर आपको क्लिक नहीं करना। अगर सेव पासवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे, जो पासवर्ड आपके सेव होंगे, जैसे कभी कभी मेल होता है तो आप कहता ना कि वहाँ पे सेव पासवर्ड सेव करें या नेवर करें, तो वहाँ पे अगर सेव कर लेंगे जो सेव पासवर्ड वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो टिक करिए, अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए। जैसे हमें नहीं करना, हमने नहीं किया। उसके बाद ऑटो फिल फ्रॉम डाटा, यहाँ पे टिक कर लीजिए और साइड सेटिंग पे भी टिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, टिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लियर डाटा पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्लियर कर देना हो या आप क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों क्लियर हो गई हिस्ट्री। उसके बाद क्लियर हिस्ट्री पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने केवल एक दिन की हिस्ट्री डिलीट की थी। अगर आपको पूरी हिस्ट्री डिलीट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं टाइम रेंज, यहाँ पे टाइम रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ मांग रहा है कि ऑल टाइम की हिस्ट्री की, लास्ट 24 घंटे की, लास्ट 7 डे की, लास्ट 4 वीक की। तो आपको हमको क्या करना, ऑल टाइम की डिलीट करना। तो ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। अब ऑल टाइम क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं क्लियर कर देना, यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों ऑल टाइम की हिस्ट्री को डिलीट कर रहा है। प्लीज़ वेट, यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं दोस्तों आपकी पेज दिस, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपकी डिलीट हो गई। एक बार चेक करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हिस्ट्री पर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पूरी हिस्ट्री आपकी डिलीट हो गई। तो हिस्ट्री आपको डिलीट करके ही रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल, दोस्तों जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।